जम जम झिम झिम छिम छिम ग्राम ग्राम ग्रीम ग्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओ प्रेम गोम मम पापम खंडय खंडय जय जय दर दर पच पच पाते पाते ओ नमो अरम जम छिम छिम हम सम जावाया सम शाम छिम छुम छिम छै छो क्षम छा राम रीम रूम रे रो रौ रम राम या मोबाइल लिख दीजिए राम द्रावय द्रावय नमो हरते भगवते श्रीमते गणम परमपुरेश्वर आचार्य गुरु विद्यासागर इनके स्वास्थ्य लाभ हेतु संपूर्ण रक्षित करने वाले शांति धारा करने वाले पुण्यादिपुरी वाले लतेश जी जय नागपुर निवासी सुशांत जी संजय महाजन डोंगा निवासी विधि जय सचिन जय मेरठ निवासी ध्रुव दीपराज मयूरी मंजूषा दीपक अंबुरे नांदेड़ निवासी राजेंद्र जी रोड़े कार्तिकार निवासी स्वर्गीय श्रीमती सुधा देवी जी के पुण्य स्मृति में विवाह परिवार पाली ललितपुर नमोकार मंडप का स्वागत है जो कुशल जवाब स्वागत का है तो भाई साहब थोड़ा सा एडम है समाज शांति धारा करने वाले देखने वाले अनुमोदना देने वाले कि सभी के सत्ता हेतु तीरस्तु बुद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणवस्तु स्वाहा एवं सर्वेषां कार्य सिद्ध्यर्थं सर्व विघ्न निवारणार्थं मैं अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर की पवित्र भूमि से आप सब लोगों के लिए यह बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी झूठ बोलता है तो उसके अंदर दुस्साहस पैदा हो जाता है। झूठ बोलने का साहस पहली पहल में भले बहुत कम लोग कर पाते हैं। जिन लोगों ने यह तय कर लिया हो कि हमें सिर्फ झूठ ही बोलना है, छल करना है, साजिश रचना है, तो वे अपनी बात को एक बार नहीं कई बार बोला करते हैं और इस दुस्साहस की हमारे लिए साक्षात उदाहरण उस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा जिसमें क्षेत्रपाल पर माला डालने का श्वेतांबरी पक्षी लोग चिल्ला चिल्ला करके ये कह रहे हैं माला डालेंगे 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 कोर्ट का कागज दिखाओ कोर्ट का कागज दिखाओ कोर्ट का कागज दिखाओ कोर्ट का कागज वो लोग पूछ रहे हैं जो सिर्फ सीतांबर पक्ष के कर्मचारी हैं। कर्मचारियों के जो जैन भी नहीं है उन्हें पूछने का कहां से अधिकार मिल गया, लेकिन चूंकि उनके लिए यह प्रशिक्षण दिया गया और इस बात की ही उन्हें तनख्वाह दी जा रही है कि आप झूठ बोलेंगे, आप दुस्साहस करेंगे, आप झगड़ा करेंगे, आप 500 रुपये में मर्डर तक भी कर सकते हैं, हम तुम्हें 500 रुपये देंगे। इन्हें 500 रुपये दिन से ज़्यादा नहीं मिलते, जो कुछ भी ये सिर्फ 500 रुपये के लिए करते हैं। परंतु ये बात भी बहुत सच है कि हमारे दिगंबर जैन समाज अभी जागरूक होने के लिए काफी देर लगा रहा है। जागरूक तो होगा और ये बात भी तय है कि जिस समय दिगंबर जैन समाज जागरूक हो जाता है तो ये झूठ बोलने वाले लोग, साजिश रचने वाले लोग सिर्फ अपना सिर झुका देते हैं और कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि सच बहुत बड़ी चीज होती है। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि ये तीर्थ आज से नहीं पुरखों से दिगंबरों का था, और मेरी समझ से ये भी है कि दिगंबरों का है और दिगंबरों का रहेगा। अब सवाल इस बात का है कि कुछ हमारी परिस्थितियों ने, कुछ हमारे बुजुर्गों की मजबूरियों ने या कुछ हमारे बुजुर्गों के द्वारा जाने अनजाने में जो भी हुआ हो, समझौते जो किए गए हैं उन समझौतों में सबसे पहले 1896 में
एक समझौता होगा जिसमें ये कह दिया गया, छूट दे दी गई कि सितंबर स्वविधि से पूजन कर सकते हैं। 1905 में फिर एक समझौता हुआ जिसमें तीन तीन घंटे का टाइम टेबल दिगंबरों ने स्वीकार कर लिया। फिर इसके बाद समझौता होने की जब 20 मार्च 2023 में बात आई तो दिगंबर समाज के प्रतिनिधि सजग रहे और उन्होंने यह समझौता नहीं किया। समझौता यह हुआ कि दोनों पक्ष मिलकर के बैठ करके